कर लियो। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। दोस्तों, आज में जैसे चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो हमारा लक्ष्य है कि चुनाव में जैसे आगामी इसी 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा क्षेत्र से, हमारे सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव में हम जाते हैं जैसे गांव-गांव में, ढाणी ढाणी की डिटेल, हर व्यक्ति की डिटेल, कौन व्यक्ति कौन सी कंडीशन में है, कौन व्यक्ति कौन सी कंडीशन में है, इसकी हम पूछताछ करने के लिए। क्या एक व्यक्ति का वोट होता है वो लाख रुपए का वोट होता है, तो लाख रुपए का वोट होता है तो उस व्यक्ति को लाख रुपए कीमत कैसे मिलती है, कैसे इसको होना चाहिए, इसके विषय में हम पूछताछ करने के लिए, उसकी डिटेल आगे पहुंचाने के लिए। वोट तो सारे देते हैं, हम भी देंगे और भी देंगे, जैसे कमज़ोर व्यक्ति है वो भी देंगे, तो कमज़ोर व्यक्ति के कोई फ़ायदा मिलना जैसे सरकार से कोई गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हमको फ़ायदा ना मिले लेकिन हमारे जो कमज़ोर वर्ग के कोई भी व्यक्ति हो ग्राम में, तो उसको फ़ायदा मिलना सरकार की तरफ से ज़रूरी होता है और उसको दिलाने के लिए ज़रूरी होता है, उसको फ़ायदा दिलाना ही ज़रूरी होता है। हर व्यक्ति ने उसकी आवाज़ उठानी चाहिए कि इसी कमज़ोर व्यक्ति को फ़ायदा मिले। हर इंसान को तो फ़ायदा मिले ही या नहीं मिले, लेकिन कमज़ोर या विकलांग कोई व्यक्ति हो तो उसको फ़ायदा मिले। इसकी डिटेल जानने के लिए आज हमारे एक में ग्रामीण क्षेत्र में आया हुआ हूँ, जैसे सरदारशहर तहसील में बादासर पंचायत गांव है, बादासर पंचायत में एक 84 नाव गांव है, वो सबसे पिछड़ा हुआ सरकार से कार्य काम में बचित रहा हुआ गाँव है, उस गाँव में मैं आया हुआ हूँ। तो उस गाँव में आज एक ऐसे व्यक्ति से हमारे युवा है, तो उस युवा की क्या कंडीशन है, इसकी डिटेल में आप तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर नेता लोगों तक पहुंचाओ कि इसी व्यक्ति को फ़ायदा मिलने से उसका बहुत सफल होगा और आपका भी कार्य सफल होगा, और ऐसा काम करना चाहिए, इसकी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। क्यों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति दोस्तों 84 गांव के अंदर, जैसे एक हमारे चारण समाज में सुभाष जी है, सुभाष जी आज से कई दिनों पहले हमारे भी मोबाइल पे आए हुए हैं, हमारे भी वीडियो में आए हुए हैं, और जो कॉमेडियन है वो मुरली लाल जी, उसको भी इसने भी इसको रोल करके अपने एक कॉमेडी में दिखाया था, वो आप जानते ही होंगे, कॉमेडी देखी होगी आपने, देखी होगी वो मुरली लाल जी की, उसमें ये भी आए हुए हैं वो सुभाष जी। सुभाष जी चारणवासी के रहने वाले हैं, सुभाष जी एक जैसे चारण समाज के परिवार में हैं और उसके माता पिता भी हैं। सुभाष जी अपने माता पिता के एक ही लाडले बेटे हैं। सुभाष जी अपने इसी कंडीशन में, वो एक जैसे विकलांग है और इसका शरीर है वो थोड़ा काम नहीं कर रहा है, और 10वीं पास कर देनी है, और वोट है उसका या नहीं है ये भी हम पूछताछ करेंगे, और इसको फ़ायदा मिलना ज़रूरी है सरकार की तरफ से, क्योंकि जैसे 10वीं पास इसी कंडीशन में करी है तो उसमें कितना खर्चा आया होगा और क्या क्या इसने मेहनत करी होगी, ये हम मालूम करने के लिए आज चरणोसी गांव में आ पहुँचे। तो सुभाष जी का ये मैं आपको सबसे पहले तो घर दिखा देता हूँ, कमज़ोर वर्ग का घर है, जैसे साधारण एक परिवार का घर है, जैसे कार्य की बात करें तो खेती का कार्य है, और मैं सुभाष जी के पिताजी से ही बात कराऊंगा, ये सुभाष जी का पिताजी है, सुभाष जी के पिताजी से पहले मैं सुभाष जी से बातचीत करूंगा 5-4 मिनट का टाइम लेके, क्योंकि आप तक आवाज़ जानी ज़रूरी होती है कि ये काम करने लायक है। सुभाष जी राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। और क्या हालचाल है? बढ़िया। कैसे हो? ठीक है, ठीक है। अभी तो हमें थोड़ा चुनाव प्रक्रिया में चल रहे हैं, चुनाव की जो मुद्दे की बात है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और इसी विषय में हम आज चरणवासी आ पहुंचे सुभाष जी। सबसे पहले तो हमारे VTV व्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज चल रहा है, थोड़ा हमारे सामने देखने की कोशिश करें, तो उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। और चुनाव प्रक्रिया क्या चल रही है इसके विषय में बताइए, चुनाव की कोई खबर है आपको? चुनाव तो घणो जोर को चल रहा है, पर मारे तो
मत बारे ही नीक डियो को नहीं हो जाता इन करन। अच्छा आप तो चल चला नहीं जाता है, क्या बात कंडीशन है, चलता नहीं है। तो कोई नेता लोगों की बात सुनी है, वोट मांगते हैं गांव में जी, मांगते हैं। कौन कौन आए थे सुना थे? राहुल कसवा, अशोक पिंचा और बुडानिया। बुडानिया जी, ये सब आए थे? ये अनिल आया था। अच्छा, ग्रामीण सभी नेता आए थे। ग्रामीण की, ग्रामीणों की क्या कंडीशन है, किस पार्टी को वोट देंगे अब की बार, ऐसा सुना है चरणोसी गांव में? हमारी पार्टी तो शायद मेरी आइडिया में तो ऐसे लगती है जैसे बीजेपी को वोट देगी। बीजेपी को वोट देगी। अच्छा सुभाष जी, एक हम बात करें कि ग्राम वालों ने वोट तो देते हैं, अब की बार भी देंगे और पिछली बार भी दिया था, कई बार हर पाँच साल में देते हैं, हर पाँच साल में देते हैं, तो ग्राम में कुछ काम होता है चरणोसी गांव में? नहीं, नहीं होता है। नहीं, बोर्ड तो हर साल में देती है, फिर काम क्यों नहीं होता है? पता नहीं, पता नहीं। सुभाष जी, एक बार हम एक बात करें, चर्चा करें कि चुनाव हर पाँच साल आता है, हमारे सामने कैमरे के सामने देखिए, हर पाँच साल में चुनाव आता है, तो मतलब नेता लोग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में फिरते हैं, अपने अपने वादे करते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, तो कोई वादा वो पक्का करते हैं? करते कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। नहीं, तो इसमें चरणोसी गांव वालों की क्या मांग है, चरणोसी में क्या कमी है अब फिलहाल, आप बता सकते हो? जैसे ये सड़क है ना, राजासर या चरणोसी तक, ये सड़क बन जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाए और साधन बन जाए इस गांव के। अच्छा, लेकिन ये बना रहे नहीं है, बना रहे नहीं है। हाँ। नेता लोगों के पास आवाज उठाई उसकी? नहीं, ग्राम वालों ने, उनके पास तो आवाज, बहुत सारे नेता उनके पास आवाजें दी है, लेकिन ये सुनाई नहीं करते हैं। सुनाई नहीं करते हैं। कौन सी पार्टी के हो? बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के सभी नेताओं को आवाज देते हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाते। गांव में मुख्य कमी यही है क्या? यही है, या कोई और कमी है? सबसे बड़ी कमी तो यही है, और दूसरी कमी है जैसे गांव की गलियां खराब है। गांव की गलियां खराब है। हाँ। अच्छा, और तीसरी कमी है जैसे गांव में पानी। अच्छा, पानी की कमी है, पानी की भी समस्या है। हाँ। अच्छा, पहले कोई विधायक था या कोई, जैसे आपने ग्राम वालों ने वोट दिया था, वो आपके पास आए थे क्या, ये कमी है मैं पूर्ति कर दूंगा, ऐसे बोला था? कह रहे थे, लेकिन ये कमी पूर्ति करी नहीं थी। करी नहीं थी, बोल तो दिया था वोट लेने के पहले। वोट लेने से पहले ये तो बोल दिया था कि हम ये कमी पूर्ति कर देंगे, लेकिन ये करते नहीं है। ये कनका, आप तो सीधे साधे आदमी हो, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग करके ले जाते हो कि ये कमी पूरी करवा देंगे, लेकिन ये करते नहीं है। हाँ, करते नहीं है। तो आप, हम आपकी आवाज़ है वो जन जन तक पहुंचाएंगे, और आपकी ये ग्रामीण क्षेत्रों की जो ग्राम की कमी है, वो कमी डिटेल है वो दिखाएंगे कि सुभाष जी है वो ग्राम के, एक सुभाष जी ऐसे व्यक्ति है जो बाहर उनसे जाए भी नहीं जाती है, फिर भी वो गाँव की डिटेल है, जैसे साधारण व्यक्ति है वो सच्ची डिटेल नहीं बताते हैं, इसके पास हम, इसके लिए आपके पास आए। अभी सुभाष जी आप बताओ कि आपकी शरीर के कंडीशन का क्या हाल है, ऐसे हाल में मतलब आप कोई धंधा करते हो या नहीं करते हो, धंधा होता है या नहीं होता है? धंधा तो हो सकता है, लेकिन कैसे करें, क्या कर सकते हैं भाई, घरेलू काम धंधा तो नहीं होता है। देखिए सुभाष जी से घरेलू काम तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपकी पढ़ाई कितनी की हुई है? पढ़ाई तो 10वीं की है, लेकिन कोई नेता है कोई और वगैरह सुनाई नहीं करता है। अगर आपने 10वीं पास कर ली, आप विकलांग व्यक्ति हो, विकलांग की तरफ से कोई रोजगार की तरफ से आपको घर बैठे कोई ऐसे कोई रोजगार की तरफ से आपको या नौकरी सरकारी मिल जाए तो क्या अच्छा रहे या कैसे रहे? सही है, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अपने परिवार में, आपके जैसे माइटों के जैसे
माता जी पिताजी के एक ही लड़के हो, क्यों? हाँ एक ही तो हो जी। अच्छा आपको सरकार की तरफ से कोई जैसे नौकरी के विषय में कोई रोजगार मिल जाए तो अच्छा ही तो रहे जी। अच्छा रहे ना? ना। तो इसकी आपका लाख रुपए की वोट की कीमत होती है, तो वोट है वो हर पाँच साल आते हैं, एमपी का हो चाहे जैसे हमारे विधायक का हो या ग्राम पंचायत का हो चाहे कोई सा वोट हो, तो उसमें आपकी आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए कि इसी व्यक्ति को फायदा मिले? जी हाँ आवाज़ उठानी चाहिए ना? जी हाँ। तो दोस्तों ये सुभाष जी है वो मतलब एक घर के व्यक्ति है और युवा भी है। कितनी आयु है सुभाष जी आपकी? आपकी आयु कितनी है? आयु 27 वर्ष है। 27 साल है, 27 साल की आयु है, युवा है ये सुभाष जी। तो उसको हम यही आवाज़ उठा रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसको रोज़गार की तरफ से या धंधे की तरफ से इसको फ़ायदा मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक विकलांग व्यक्ति है। मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके हाथ है वो जैसे हाथ पैर है वो काम नहीं करते हैं, पैर से ये उठ कर जैसे दीवार है वो पकड़ कर ये चलते हैं। और सुभाष जी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपके लिए हक की बात है कि ये कैसे है? हकीकत है, ये बात है, हकीकत है आपके। अगर ये चुनाव का मामला है, अगर कोई भी नेता लोग आए तो आपकी ये आवाज़ सुने तो अच्छा रहेगा ना? अच्छा तो रहता है लेकिन ये सुनाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं सुनाई करते हैं? हम आगे भेजेंगे और हर जन जन के पास ये वीडियो जाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप उसको सुनाई करनी पड़ेगी। क्यों? ऐसे एक बार तो कह देता है हम कर देंगे लेकिन फिर सुनाई नहीं करते हैं, ऐसे वैसे गिरावाद देते हैं। दोस्तों ये जो सुभाष जी चरण है उसका हमने वीडियो अपलोड किया है। एक व्यक्ति के वोट की कीमत लाख रुपए होते हैं और लाख आपका वोट है क्या जी? वोट देते हो हर आई सब में जैसे चुनाव आता है उस चुनाव में वोट दे देते हैं। और ये एक बेरोजगार भी है और ये विकलांग भी है और उसकी तरफ से उसको गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हमारी यही आग जन जन तक पहुंच करते हैं हमें और यही दिखाते हैं कि इसको सरकार की तरफ से अगर कोई जैसे चपरासी की अगर नौकरी वगैरह ग्रामीण में इसी गांव के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट में स्कूल में या आंगनबाड़ी में कैसे गवर्नमेंट दे तो कोई मतलब जगह बहुत है और गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं आती है, लेकिन इसको फ़ायदा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि ये परिवार में एक ही व्यक्ति है और घर रोज़गार चलाने वाला इनके पिताजी है। इनके पिताजी है वो अपना घर का कार्य करते हैं और इसी घर में मैं आज आया यहाँ पर है और उनसे बात करने के लिए और उसकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि हम सरकारी जैसे कामकाज से जैसे वंचित रहता है ऐसे व्यक्ति तो हमें एक बड़ा दुख होता है। और सुभाष जी क्या हाल है, जैसे आप कोई चर्चा करना चाहे तो हमारे को बताइए, जैसे ग्राम में क्या प्रक्रिया चल रही है, ग्राम के लोगों की क्या मांग है सरकार से, ऐसी कोई बात आपके पास आई है तो बताइए। गांव की मांग तो यह है सड़क बनवाना, राजस रविकांत से ये चरणवासी तक ये 10 किलोमीटर का फैसला है। और ये गांव में जो है पानी की कमी है ये बनवाने हैं, और गांव की गलियों में जो सड़कें हैं ये बनवाना। सड़क अगर जो चरणवासी और राजा सर की है वो डबल बने कि या सिंगल बने? वो तो जैसे डबल बन जाए तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, साधन मिनट मिनट के हो जाते हैं। एक सुभाष जी ये बताइए कि जैसे कई गांव में जाते हैं इसी गांव के लोग जैसे लड़की का रिश्ता करने जाते हैं जी। तो वो गांव वाले बोलते हैं कि आपके गांव में सड़कें ही नहीं है, आपके गांव में तो बस भी नहीं चलती है, ये सत्य है क्या? ये सत्य है। अच्छा ये बस आती तो ये बहुत अच्छी बात है, ये गांव में जैसे टेम्पू ये राजेश्वर विकान की और चलते तो बहुत बढ़िया बात है। पक्की रोड होती तो सब कुछ होता है, ये ऐसे
रास्ते में खड्डे डले हुए होते हैं जैसे। और सुभाष जी, यहाँ कोई चरणों से गाँव में कोई चिकित्सा का साधन है? जी नहीं। जैसे हॉस्पिटल वगैरह, जैसे कोई डॉक्टर नर्स आते हैं सरकार की तरफ से? जी नहीं, नहीं आते हैं। तो दवाई पानी लेने के लिए कौन से गांव जाना पड़ता है? बादासर। बादासर कितने किलोमीटर है? बादासर 6 किलोमीटर है। देखिए दर्शकों, ये चरणवासी गांव है वो अभी तक चिकित्सा सुविधा से, जैसे सरकार कहती है कि हमने ऐसा करा दिया, ऐसा करा दिया, इतना इलाज मुफ्त है, इतना इलाज मुफ्त है। इसी गांव के अंदर लगभग 100-150 घरों की आबादी है, इतना ही घर लगता है, क्यों नहीं जी? तो उसी में कोई चिकित्सक का कोई भी साधन नहीं है। बादासर है वो 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, इधर राजासर 8 किलोमीटर है, वहाँ पर जाना पड़ता है। तो सरकार की तरफ से आज भी ये चिकित्सा सुविधा से ये गांव है वो चरणवासी वंचित है। और इसके लिए मैं ये सुभाष जी है वो मैंने जानकारी दी है। तो सुभाष जी, और भी कोई यहाँ पर जैसे कोई सरकार की कोई सुविधा से कोई गांव है वो वंचित है? स्कूल बन जाए। पढ़ाई का साधन कितना है यहाँ? यह पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम तो ये ऐसे घर बैठे पढ़ाई की है। पापा ने बुला लिया पढ़ाई? 8वीं तक पढ़ाई की है मैंने। नहीं नहीं, स्कूल कितनी क्लास की है यहाँ पर? स्कूल 5वीं तक है। स्कूल 5वीं तक ही है यहाँ जी? 8वीं तक ये कह रहे हैं लेकिन बोर्ड नहीं है यहाँ। अच्छा, 8वीं तक स्कूल है, 8वीं तक का पढ़ाई का साधन है सरकारी स्कूल में। और अभी थोड़ा यहाँ सुभाष के जो पिताजी है ये आए हैं और पिताजी से मैं बात करूंगा। पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो जैसे आपका नाम समदरदान जगुदान जी है क्या? हाँ जगुदान जी। राम राम साहब। राम राम सर। और क्या हाल चाल है? और बढ़िया है जगुदान जी। अभी जो 5 तारीख को, जैसे 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे, तो वोट की जो चुनाव प्रक्रिया है उसके विषय में थोड़ी चर्चा करें आपसे। तो ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे इसी चरणवासी गांव में मैं आ गया, तो चरणवासी में वोट कौन सी पार्टी के लगते हैं ज्यादा? दोनों बराबर सी रहसी। बराबर सी रहसी, दोनों बराबर सी रहसी। और कोई गांव में कमी है? इसी गांव में गाँव में कमी है, गड़ियां की कमी है, पानी की कमी है। पानी की कमी है, सड़क सड़क की कमी है क्या? सड़क से भी जुड़ा हुआ है क्या? सड़क की कमी है। सड़क चारों सी गांव में है या नहीं है? कोनी, बिल्कुल ही कोनी। यहाँ से कोई शहर जाने के लिए कोई साधन, जैसे कोई बस वगैरह चल रहा है? ना कोनी। बस ही कोनी, टेम्पो में जाना पड़ता है। टेम्पो में जाना पड़ता है, बादासर जाके बस में। बादासर जाकर बस। और सड़क, गांव वालों ने सड़क की मांग करी थी कभी? मांग कर रखी है। मांग कर रखी है। कौन कौन लाग रही? सुभाष जी, ये जगुदान जी, जगुदान जी नाम बताया आपका? जगुदान जी, एक जैसे आपकी ये लड़की है सुभाष जी, उसने 10वीं पास कर ली है। हमने इसी हमारे चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई है कि इसको गवर्नमेंट से कोई धंधा मिल जाए, अगर कोई जैसे चपड़ासी वगैरह का, या घर बैठे गवर्नमेंट को इसको रोज़गार दे दे तो अच्छा रहे। कैसे रहे? मिलने के बाद अच्छा तो रहे, गवर्नमेंट से होकर तो अच्छा ही रहे। पढ़ाई तो करिए ना, पढ़ाई। आप बताओ इनकी डिटेल ये तो, क्योंकि थोड़ा बोलने में उसको कष्ट होता है। और इसने जो पढ़ाई करी है, पढ़ाई के विषय में आप बताओ कितनी मेहनत करके इसने 10वीं पास की होगी? बहुत दौरी की है पढ़ाई, तो दौरी की है। तो इसको कोई आपने आगे आवाज़ उठाई कि मतलब भाई इसको कोई धंधा मिल जाए और मिल जाए? बातचीत करी किसी के आगे? बात तो करी, फायदा मिल रहा नहीं है। फायदा नहीं मिल रहा। हर 5 साल चुनाव आते हैं, 5 साल से, और विधायक का चुनाव आते हैं और भी चुनाव आते हैं। तो उस चुनाव में मतलब आपने आवाज़ उठाई इसकी या नहीं उठाई? तो उठाना, क्योंकि 1,00,000 रुपये की कीमत होती है वोटर की। क्यों? जब उसको फ़ायदा मिले तभी 1,00,000 रुपये कीमत होती है ना। उसको फ़ायदा भी नहीं मिले तो क्या कीमत होती है इसके? आपने आवाज़ उठाना और हम वीडियो आगे जन जन तक पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे कि सुभाष जी को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इसको सहयोग मिले तो अच्छा रहेगा ना। मिलने के बाद तो अच्छा ही रहता है। गवर्नमेंट अगर फायदा कर दे इसके लिए तो बहुत अच्छा रहे, हमारी यही कोशिश है। इसी वीडियो को हम दर्शकों आगे जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और ये सुभाष जी का और हमारे जैसे सुभाष जी के पिताजी है उसका घर है और नॉर्मल घर है, कोई ऐसा कोई पैसे वाले भी नहीं है, और जैसे खेतीबाड़ी का धंधा है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना। और सुभाष जी से मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों सुभाष जी? जयराम जी की
जय राम जी की, जय राम जी, जय भारत।